एक रसूल का और सिर्फ ही नहीं आलिम ही नहीं बल्कि आले रसूल। एक होता है कि जिस पर फैज हो जाए वो कामयाब हो जाए, एक होता है फैज, एक ये होता है कि जिस पर फैज हो जाए। सब लोग फैज रसूल के तबादार कि उन्हें स्वयं फैज रसूल बता उनका नाम और फैज रसूल का मान ये होता है कहीं और जा करके हुजूर सैफुल औलिया के आपको मोहब्बत पर हुजूर सैफुल औलिया के मोहब्बत को आप समाज करते चलो। आज बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, खेत खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, अपने नाम मंसूब कर लेते हैं, अपने नाम मंसूब कर लेते हैं, लेकिन हुजूर सैफुल औलिया ने अपनी मशक्कत और मेहनत से जो इमारत उसको मंसूब नहीं किया, बस उसका नाम रखा तो चार लोग आप दुनिया का जायजा ले, तमाम मदरसे में पढ़ाई होती है, तमाम मदरसे में पढ़ाई होती है, मैं नाम जद नहीं करना चाहता, पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती है, लेकिन दर लोग अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल की पढ़ाई कुछ और है। आप दुनिया में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेज देते हैं, मास्टर होता है बच्चों को पढ़ाता है, टीचर होता है बच्चों को पढ़ाता है, उस्ताद होता है बच्चों को पढ़ाता है, और मदरसे में भी पढ़ाई होती है, लेकिन दर लोग अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल की पढ़ाई की और कहीं पढ़ाई नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि दर्दों में लग सकता फैज़ुर रसूल में उस बात पढ़ाते हैं उसमें बुलौलिया और जो पीले जिसको अल्लाह का बली दिला दे जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं चाहने वाले हैं सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी थी। भाई बोलिए चाहिए बोलिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा ऐ महबूब तुम मुझे एक की ज्यादती तलब करो, मुझे इल्म की ज्यादती तलब करो, ये नहीं फरमाया कि ऐ मेरे महबूब तुम मुझसे इल्म तलब करो, ये नहीं फरमाया, बल्कि रब ने अपने महबूब से ये फरमाया कि ऐ महबूब तुम मुझसे इल्म की ज्यादती तलब करो, ताकि अल्लाह के बंदों को मालूम हो जाए कि इल्म की हकीकत क्या है, इल्म की शनाख्त क्या है, इल्म कौन सी दौलत है, इल्म की अहमियत क्या है। हजरत गिरामी रब तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया एक लाख चौबीस हजार अंबिया दुनिया में नसीब नहीं है, या तकरीबन दो लाख चौबीस हजार अंबिया किराम दुनिया में नसीब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी नबी से ये नहीं फरमाया कि अरे मूसा तुम मुझसे एक की ज्यादती वाह 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 क्या अरे ऐसा
तो मुझसे इनकी ज्यादती तलब करो। आई यूसुफ तुम मुझसे इनकी ज्यादती तलब करो। हजरत गिरामी रब तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब से ये फरमाया, ऐ मेरे महबूब तुम मुझसे इनकी ज्यादती तलब करो। इससे ये बारहा मालूम होता है कि रब तबारक व तआला अपने महबूब की रजा चाहता है। बेशक हजरत गिरामी रब तबारक व तआला ने अपने महबूब से फरमाया, ऐ महबूब तुम मुझसे इनकी ज्यादती तलब करो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो तो वो बोले बा वला बिस्ती इल्म दीन हासिल करो। अगर चे मुल्क चीन जाना पड़े, अगर चे मुल्क चीन जाना पड़े, पड़े की ताकीद के साथ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आई नो मुस्तफा हासिल करो। अगर चे मुल्क चीन जाना पड़े, हजरत गिरामी ये इल्मे दीने मुस्तफा है क्या जिसको मुस्तफा जाने लगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ताकीद से फरमा रहे हैं कि आए लोगों इल्मे दीने मुस्तफा हासिल करो। अगर चे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े, हजरत गिरामी आज हम उस रास्ते को छोड़ करके कॉलेजों की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं, कॉलेजों के तरफ अपने बच्चों को भेज रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को अर्थी मदारिस में भेजना अपने आप को छोटा समझते हैं। हजरत गिरामी हम और आप सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा आलिम बन जाएगा तो उसकी तनख्वाह 5,000 होगी, उसकी तनख्वाह 6,000 होगी, उसकी तनख्वाह 7,000 होगी। मैं तुमसे कहता हूँ कि रोजी देने वाले तुम नहीं हो, अजीब से बात है। मुस्तफा जाने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान फरमाते हैं जिसने इल्मे दीन मुस्तफा हासिल किया अल्लाह ताला ने उसके दिल की जिम्मेदारी दे दी। आज हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते क्यों? इसलिए ताकि हम बादशाह हो जाए। आज हम अपने बच्चों को ड्राइवरिंग सिखाते हैं। आज हम अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजों में भेजते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में भेजते हैं और जब उसकी नौकरी लग जाती है तो उसका बाप भी दुआ कर रहा है, या अल्लाह मेरे बेटे की कमाई में बरकत दे। उसकी माँ भी दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे बेटे की कमाई में बरकत दे। अगर वो अपनी बीवी का गुलाम है तो उसकी बीवी भी दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे शौहर के कमाई में बरकत अता फरमा। अगर उसके बेटे भी है तो उसके बेटे भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे वालिद गिरामी के कमाई में बरकत अता फरमा। अगर उसके आयजा है उसके आयजा भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे दोस्त के कमाई में बरकत अता फरमा। आए लोगों, वही इंजीनियर है, वही मास्टर है जिसकी नौकरी बता गई है उसकी कमाई के लिए तुम दुआएं खैर करते हो। क्या तुमने हदीस करीमा नहीं पढ़ा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिदैन दुआ करते हैं, तुम्हारे भाई दुआ करते हैं, तुम्हारे आयिस्ता दुआ करते हैं, लेकिन हदीस से पाठ पढ़ो कि उसके लिए ऐसा शख्स है जिसके लिए दुनिया का सल्ला सल्ला यहाँ तक कि मछली पानी में और चुरके सुरातों में आलम दीन के लिए दुआ। मुझे ज्यादा वक्त भी नहीं है इसलिए खुतबा की फेहरिस्त लंबी है और शोरा की फेहरिस्त भी बहुत लंबी है। मैं यहीं पर अपने तकरीर को मैं समेट रहा हूँ। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, इला आला आलमीन
मेरे बोलने में किसी भी किस्म की गलती हो गई हो तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे माफ करवा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ने दरहु अतु अलैहि वमा अलैना इल्ला बलाग अस्सलाम अलैकुम جیسا کہ